हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करेंगे ग्रुप और पीरियड के बारे में कि ग्रुप और पीरियड में कौन कौन से चीज़ बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ घटते हैं। जैसे हम बात करें एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में कि क्या पीरियड में बढ़ेगा और क्या ग्रुप में बढ़ेगा और क्या घटेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। तो यदि हम ग्रुप की बात करें तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर पीरियडिक टेबल में, तो जो पीरियड की संख्या होती है आप देख रहे हैं ये जो ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7 पीरियड होते हैं। बात करें ऐसे ऐसे जाएंगे आप तो इसको क्या कहेंगे, हम पीरियड कहेंगे। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां और सातवां। तो पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। और हम ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे जो ये देख रहे हैं आप खड़े कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं आप देख रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियडिक टेबल में जो ग्रुपों की संख्या है वो कितना है, 18 ग्रुप है। इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी मेटेलिक करेक्टर या आयनिक रेडियस या ऑक्सीडेशन नंबर पीरियड में बढ़ेगा कि घटेगा, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, तो आप देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और आप जानते हैं ग्रुप में जो ग्रुपों की संख्या होती है कितनी होती है, 18 होती है। इसी को हम कहते हैं हिंदी में वर्ग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, हम वर्ग कहते हैं। और ये पीरियड जो है इसको हम कहेंगे हिंदी में आवर्त कहेंगे। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस वर्ग में ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर तीर है तो इसका मतलब इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीरियड में आवर्त में ये क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होगा वो बढ़ेगा और पीरियड में क्या होगा, घटेगा। अब बात करते हैं दूसरा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होता है वो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है, और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर भी ग्रुप में इंक्रीज करता है और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग करेक्टर भी ग्रुप में इंक्रीज करेगा और पीरियड में डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी भी ग्रुप में क्या होगी, इंक्रीज करेगी और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये हो गया रिएक्टिविटी। हम बात करते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी जो होगा वो ग्रुप में डिक्रीज करेगा। एक्टिविटी ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और पीरियड में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो रिएक्टिविटी आपको समझ में आया होगा, तो रिएक्टिविटी ग्रुप में क्या होती है, घटती है, और पीरियड में बढ़ती है। अब बात करते हैं अगला हमारा है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी जो है वो ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा बेसिसिटी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये भी ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होगी, ग्रुप में बढ़ेगी और पीरियड में क्या होगी, घटेगी। अब कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं, तो कोवेलेंट रेडियाई भी ग्रुप में इंक्रीज करती है और पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज करती है। अगला हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये ग्रुप में डिक्रीज करती है। ये ग्रुप में क्या करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है और पीरियड में बढ़ती है। अब अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होगी वो भी ग्रुप में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ग्रुप में क्या होगी,
डिक्रीज करेगी और पीरियड में भी इंक्रीज करती है। अगला हमारा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगला हमारा है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा और पीरियड में इंक्रीज करता है। ये बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है क्या बढ़ता और क्या घटता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ग्रुप में क्या करता है, डिक्रीज करता है और पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं अगला हमारा है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी भी घटेगा, ग्रुप में घटेगा और पीरियड में बढ़ेगा लैटिस एनर्जी। अगला है कोवेलेंट। कोवेलेंट जो नेचर होता है वो ग्रुप में डिक्रीज करता है, ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और पीरियड में इंक्रीज करता है। अगला हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो हमारा भी ग्रुप में डिक्रीज करेगा और पीरियड में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। अगला है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा ग्रुप में, ग्रुप में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा और पीरियड में इंक्रीज करता है। अगला हमारा है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ग्रुप में डिक्रीज करती है और पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगभग इससे हर कंपटीशन में, वो बीएससी हो, एमएससी हो या पीजीटी का एग्जामिनेशन हो या नेट का हो, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।